हाँ उधर लेके गए हैं, डीपीओ बोल रहे हैं पैनिक क्रिएट करिए, पूरे हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगे मैं इस समय नरवाल इलाके में हूं और यहां कुछ देर पहले से एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कोई संदिग्ध यहां पर देखा गया है या नहीं देखा गया है, लेकिन एक महिला ने ज़रूर बताया है, जिसके बाद उस महिला को फिलहाल अभी पुलिस उससे जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है कि आखिरकार किसको देखा उसने। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक छोटा सा जो है ठेला बना हुआ है जहाँ पर खाने वगैरह का सामान मिलता है, वहाँ पर ये महिला काम करती है और उसके मुताबिक उसने कोई दो लोगों को देखा है जो संदिग्ध लोग हैं। लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको ये बता दूं कि किसी तरह का पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी पुलिस द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। और अगर कोई सोशल मीडिया पर आप देखते भी हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो मैं आपको सिंपल बात बता दूँ कि पुलिस यहाँ पर अलर्ट है और पुलिस ने इस पूरे इलाके में सर्च शुरू कर दिया है, इसीलिए किसी तरह का पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी एसओजी की टीम्स यहाँ पर मौजूद है, हमारी बाकी पुलिस की टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिसके बाद हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है और यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी मौजूद हैं जो इस चीज़ का खास ध्यान रखे हुए है। लेकिन कुछ एक महिला द्वारा ये बताया गया कि उसने कुछ संदिग्ध देखे हैं और उसके बाद इनसे कुछ सामान लिया है, जो उस महिला का कहना है, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई कन्फर्मेशन नहीं है। पुलिस जो है इसके ऊपर पूरी जानकारी ले रही है उसी महिला से और उस महिला को फिलहाल इन्वेस्टिगेशन के लिए लिया गया है, लेकिन अभी तक के ये जानकारी के मुताबिक सिर्फ यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसलिए मैं अपने जितने भी दर्शक हैं उन्हें ये कह दूंगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप आराम से जम्मू में बाहर घूम सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वेव मॉल के बाहर का इलाका है, जो एक इलाका बठिंडी को जाता है और सामने नरवाल का एरिया है, तो किसी तरह के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सस्पेक्ट एक महिला के मुताबिक उसने देखे हैं, लेकिन अभी पुलिस ने इसके ऊपर यही कहा है, लोगों को यही कहा है कि आप पैनिक मत क्रिएट करें। उस महिला से भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार तूने देखा किसको है, क्या वो सही में कोई, मतलब उसके पास कोई वेपन्स थे या क्या सामान था, वो उस महिला से पूछ रहे हैं। ये महिला का एक छोटा सा यहाँ पर ठेला है जहाँ पर वो सामान बेच रही है और उसके बाद उसने ही कोई एक्टिविटी देखी और उसके मुताबिक जो है वो जो संदिग्ध थे वो इस जगह से गए हैं। तो अभी फिलहाल इसके ऊपर हम बिल्कुल भी कोई कन्फर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि कोई इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है। उस महिला के अकॉर्डिंग अब पुलिस जो है उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है, किसी तरह के पैनिक फैलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी फिलहाल ये मामला सामने आया है और अभी सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, फर्दर अपडेट हम आपको जरूर देंगे। धन्यवाद। राम राम। सनातन धर्म की जय।